बस एक कागज पर अपना और अपने पार्टनर का नाम लिखकर आप अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं। अगर आपके प्यार में कोई भी परेशानी आ रही है या फिर आपकी शादी हो चुकी है, आपके शादी के जो विवाह के संबंध हैं वो सही नहीं चल रहे हैं, आपका पति आपसे रूठा है, आपकी पत्नी आपसे रूठी है, या फिर अगर आप प्यार में हैं, किसी से प्यार करते हैं, वो आपसे शादी नहीं कर पा रहा है, शादी नहीं हो पा रही है, मतलब इस तरह की कोई भी परेशानी, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहा है, मतलब कुछ भी अगर प्यार से, रिश्ते से, पति पत्नी वाले संबंध से अगर कोई परेशानी आ रही है तो उसको ठीक करने के लिए एक बहुत ही कारगर उपाय बता रही हूँ, एक बहुत ही कारगर टोटका बता रही हूँ जिसको करके आप अपनी रिश्ते को सुधार पाएंगे। तो कैसे करना है, क्या करना है, पूरा टोटका चलिए मैं आपको बताती हूँ, मगर उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। और अगर आपने इसी तरह के और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर स्पिरिचुअल प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं। मनोकामना से रिलेटेड, धन संपदा से रिलेटेड, सुख शांति से रिलेटेड सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो पर अभी मूव ऑन करते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको एक कागज़ लेना है, कागज़ से यहाँ पर मतलब है पूरा कोरा कागज़ लेना है, प्लेन कागज़ लेना है, बिना लाइनिंग वाला आप कागज़ ले लें। अब आपको अपने साथ में हरे रंग का पेन लेना है, ठीक है, सफ़ेद पूरे कोरे कागज़ पर आपको हरे रंग के पेन से सबसे पहले एक मंत्र लिखना है, वो है ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र को आपको 11 बार लिखना है उस कोरे कागज़ पर, ठीक है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा ये मंत्र। उसके बाद में आपको इसी हरे पेन से उस कागज़ पर एक दिल बनाना है, ठीक है, एक हर्ट बनाना है। अब इस हर्ट पर आपको सबसे ऊपर अपने पार्टनर का नाम लिखना है। अगर आप पुरुष हैं तो आप अपनी जो भी आपकी महिला, आपका जो पार्टनर है मतलब महिला जो है उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद में आपको लिखना है वीनस, VENUS, वीनस। उसके नीचे फिर अब आप अपना नाम लिखेंगे। और सेम अगर आप महिला हैं तो पहले आप अपने पार्टनर का मतलब आपका जो बॉयफ्रेंड है, पति है, उसका नाम पहले ऊपर लिखेंगे, फिर लिखेंगे वीनस, VENUS, एंड देन नीचे आप अपना नाम लिखेंगे। ऐसा लिखने के बाद में फिर से आप नीचे ओम क्लीम कृष्णाय नमः ये 3 बार लिखेंगे, ठीक है। अब इसे आपको, इस कागज़ को आपको लिखने के बाद में 3 बार इसे फोल्ड करना है, जैसे हम घड़ी बनाते हैं कागज़ की, वैसे 3 घड़ी बनाना है, ठीक है। अब इसे आप रात में सोते समय अपने तकिए के नीचे रखकर सोएंगे, ठीक है, इसे अपने तकिए के नीचे रखकर आपको सोना है। और सोते समय जब आप इसे तकिए के नीचे रख देंगे तब आप सोते समय मन ही मन में अपने यूनिवर्स से, अपने भगवान से, अपने ईश्वर से, गॉड से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान मैंने ये जो चिट रखी है इसमें जिस तरह से हम दोनों का नाम एक साथ एक हर्ट में है उसी तरह से आप हमारी लाइफ में हमें एक साथ कर दीजिए, हम दोनों के बीच में जो भी दूरियां हैं, आपकी जो समस्या है वो आप कहें कि ये जो समस्या है इसे आप दूर कर दीजिए, और बस आपको सो जाना है। सवेरे आपको इस चिट को निकाल कर ऐसी जगह पर छुपा देना है जहाँ पर किसी की भी इस पर नज़र ना पड़े, ठीक है, ऐसी जगह से छुपा दें। फिर अगली रात में आपको फिर से इस चिट को निकालना है, अपने तकिए के नीचे रखना है, और सेम जो प्रोसेस हमने पहले करी कि अपने भगवान को आपको शुक्रिया अदा करना है, भगवान को सारी अपनी इच्छाएं कहनी है, और फिर इसे तकिए के नीचे रख के सो जाए, सवेरे फिर इसे छुपा दे। ऐसा लगातार आप सिर्फ 21 दिनों तक करेंगे, ठीक है, 21 डेज तक आप करेंगे, आप खुद देखेंगे 21 डेज के अंदर ही आपका रिश्ता सुधरने लग जाएगा, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो खत्म होने लग जाएंगे, जो भी परेशानियां हैं दूर होने लग जाएगी, आपके रिश्ते में एक पॉजिटिविटी आने लग जाएगी, प्रेम जागने लग जाएगा। ये जब आप उपाय करें तो बस एक चीज़ का ध्यान रखें, पॉजिटिविटी के साथ करें, दिल में पूरी श्रद्धा होना चाहिए, पूरी पॉजिटिविटी होना चाहिए, 0.001% भी अगर नेगेटिविटी में रहेंगे आप तो आपका काम नहीं होगा, आपका रिश्ता नहीं सुधरेगा। अपने आप पर विश्वास रखें, अपने गॉड पर विश्वास रखें, अपने पार्टनर पर विश्वास रखें, फिर इस उपाय को करें, देखो आपका रिश्ता बहुत जल्दी सुधर जाएगा। ऐसा कीजिए आप, और फिर जो रिजल्ट मिले मेरे साथ में शेयर जरूर कीजिए। उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपका रिश्ता सुधर जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी आपसे नई किसी जानकारी के साथ, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, बाय बाय।